हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है गोपाल कृष्ण मिश्रा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो आपको सीट में दिख रहे हैं ऊपर फाइल होम इंसर्ट पेज लेआउट, इन्हें क्या कहते हैं, ये नीचे ये एफएक्स वगैरह, तो जो भी हमारी सीट में ये चीजें होती हैं इनके बारे में बताया था। तो आज हम अपना पहला डेटा इनपुट करते हैं, मतलब अब शुरुआत करते हैं डेटा डालने की। तो चलिए कैसे डेटा डालते हैं। तो चलिए मान लीजिए हम अपना बजट बना रहे हैं, मंथली बजट होता है तो बना रहे हैं मंथली बजट, ठीक है। ये हमारा मंथली बजट, यहाँ लिख देते हैं मंथ जनवरी 2022, फरवरी 2022 और मार्च 2022, और यहाँ लिख देते हैं हम अपना टोटल, ठीक है। मंथली बजट हो गया हमारा, मंथ हो गया, यहाँ लिखते हैं अपना सामान, मतलब क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले रेंट, ठीक, रेंट जाता है। बाकी दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, तीसरा ग्रोसरी, चौथा मोबाइल इंटरनेट बिल, या फिर क्या है इंटरनेट बिल, पांचवा कैंडी वगैरह जो हम लोग चॉकलेट टॉफी वगैरह या मंगा लेते हैं, बिस्किट वगैरह। तो चलिए यहाँ डालते हैं रेंट। तो हमारा मंथली रेंट जितना भी आता है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मेरा जितना आता है उतना डालूंगा, 3000। 3000 बिजली का बिल सबका अपना अलग अलग आता है, तो सब अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं सिर्फ एक डेमो दे रहा हूँ। देखिए रेंट तो सेम आएगा, बिजली का बिल डिफरेंट हो सकता है। यहाँ मैं डाल दिया ग्रॉसरी, तो हर महीने सबकी अलग अलग आती है, कभी 2500 हो गई, कभी 3000, जैसे कोई त्यौहार आ गया तो ज़्यादा ही आ जाता है। अब इंटरनेट बिल सब अपने हिसाब से कराते हैं, वैसे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 रुपया। और कैंडी मतलब जो बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह या बच्चों के लिए जो भी हम चीज़ें मंगाते हैं स्वीट्स वगैरह, तो 500, 400 और 300। तो ये हमने अपना बना लिया मंथली बजट। आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप रेंट डाल सकते हैं और भी चीजें डाल सकते हैं अपने मंथली बजट में। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कैसे डालते हैं। तो ये हमने अपना ऐसे डेटा इनपुट कर दिया है। तो अगली वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि टोटल कैसे करते हैं, और एक टोटल हमारा यहाँ आएगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि अब मंथली बजट में हम टोटल कैसे करेंगे, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे और बाकी चीजें। तो थैंक यू आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।